हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आने वाले दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे स्कूल फ्रेंड राजू का जो न्यू स्टार्टअप है। 5 बज चुके हैं और ये राजू का ये जो फार्म है, ये फार्म में ही राजू रहता है। और कच्चे घानी का जो तेल है, उस तेल निकालने का स्टार्टअप राजू ने किया है। बहुत ही कमाल का बिजनेस है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पता नहीं, शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का कोई आइडिया मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए, जिससे कि आप भी अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए, देखिए, ये है मेरा स्कूल फ्रेंड राजू और ये है इसका इन्वेंशन, कच्ची घानी का तेल निकालने का ये सिस्टम इसने लगाया है। अब राजू का ये कहना है कि ये इनके पुरखों का बिजनेस है। अब ये जो काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इसके पहले यानी कि 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले इस कोल्लू को बैल घुमाया करते थे और उसकी सहायता से इस तेल को निकाला जाता था। जबकि ये मतलब सालों से चलता आ रहा है, 1000 साल पहले भी तेल निकालने का प्रोसेस यही था, लेकिन हमने क्या किया, हमारा जो पुराना है वो हमने छोड़ दिया और नए को अपनाया। पीनट्स यानी ये मूंगफली के पीनट्स है, तो ये शेंगदाना कहा जाता है इसे। तो ये ऑयल सीड्स है और ये और एक ये भी इसमें ऑयल सीड्स है, इसे करड़ी कहा जाता है। तो ये थ्रेसर मशीन है, इसके अंदर से इसके छिलके निकाले जाते हैं और फिर उसको इस कच्ची घानी में डालकर पीसा जाता है और फिर पीसने के बाद यहाँ से तेल नीचे आता है। तो ऐसा कुछ सिंपल सादा प्रोसेस है। आजकल आप तो जानते हैं कि दुनिया भर के ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। सरसों का तेल मिलता है, मूंगफली का तेल मिलता है, राई का तेल मिलता है, हर चीज का तेल अवेलेबल है, लेकिन उसका जो मेकिंग प्रोसेस है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो अपने आंखों के सामने नहीं होता है। उसमें क्या क्या केमिकल मिक्स किए जाते हैं, क्या क्या यूज होता है, ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप ऑर्डर करते हो, यहाँ से अगर तेल बना के ले जाते हो, तो आपको आपके आंखों के सामने तेल निकाल के दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। ये जो बैठा है, ये ग्राहक है जो राजू के पास अपना तेल लेने के लिए आया है और ये रेगुलर कस्टमर है राजू के, जो राजू के पास से रेगुलर तेल लेके जाते हैं। तो इनको बताएं कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ऐसा कुछ है, आपके आंखों के सामने तेल निकाल कर आपको दिया जाएगा, ना उसमें कोई केमिकल मिलावट है, ना कोई उसमें अदर कोई एडेड कोई चीजें मिलाई जा। ये जो पीछे दिख रहा है, ये मूंगफली के जो छिलके, उसको उन छिलकों को निकाल कर फिर थ्रेशर में डाला जाता है और फिर वो अंदर कच्चे घानी में डालकर उसका तेल निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस दिख रहा है, ये मूंगफली के छिलकों को निकालने का प्रोसेस है। देखिए, ये जो है, ये भी एक कस्टमर ही है जो तेल लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, और ये भी देख रहे हैं कि आंखों के सामने कैसा प्रोसेस हो रहा है। यानी ये जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ ओपन आपके आंखों के सामने होता है।
और ये हमारा पुराना तरीका है, पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो जो अच्छा था पुराना वाला वो सब कुछ छोड़ दिया और केमिकल वाले चीज़ों के पीछे हमने भागना शुरू कर दिया, जिसके बदौलत हमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल और न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में घुस गई केमिकल प्रोसेस वाला खाना पीना खाकर। ये देखिए अब ये जो तैयार हो गया, ये तेल निकल गया, तेल निकलने के बाद जो अंदर जो वेस्ट बचता है ये बहुत ही, इसको क्या बोलते हैं राजू, हाँ इसे खली बोलते हैं, ये जानवरों को खिलाया जाता है, यानी जो दूध देने वाली, हाँ दूध देने वाली जो गाय भैंस है उन्हें ये खिलाया जाता है और बहुत ही पौष्टिक होता है ये, तो इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वेस्ट जाती है, सारा कुछ यूज होता है। तो ये काफी, मतलब ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये का सालों से चलता आ रहा है, यानी 100 साल, 150 साल, 300 साल, 400 साल पहले भी तेल हम यूज करते थे, हमारे पुरखे तेल यूज करते थे, तब भी जमाने में फ्राई होते थे, सारी चीजें बनती थी, लेकिन उस जमाने में तेल बनाने का जो सिस्टम था वो सिस्टम हमने छोड़ दिया और आज का ये जो केमिकल वाला जो है सिस्टम ये हमने अपनाया, जिसके बदौलत हमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सारी तमाम बीमारियां हमारे शरीर में घुस गई। और अब आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग इसके तरफ बढ़ रहे हैं, काफी लोगों का झुकाव जो है इसके तरफ है, कच्ची खाने की तरफ है, लोग अब पुराने तरीके अपना रहे कि नहीं यार ये जो केमिकल वाला इसको छोड़ के हम जो हमारा पुराना तरीका है। देखिए इस तरह से ऑर्डर को पूरा किया जाता है, ये जो ग्राहक है अब ये अपना तेल लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए कितना इजी और सिंपल सिस्टम है, आपके आंखों के सामने सब कुछ बनकर मिलेगा, पर खाली सोचना है आपको, वो बात कह देना कि आप अपने हेल्थ के बारे में कितने कॉन्शियस हैं, कितनी फिक्र है आपको आपके हेल्थ की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारा कुछ मामला। बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, सारा सिस्टम खुद हैंडल करता है। देखिए कोई भी बिजनेस करना है तो इतना इजी नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आशा करता हूँ कि ये जो राजू का इन्वेंशन है, राजू का जो ये स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप देखने के बाद शायद आपको भी कोई नई आइडिया आ जाए, कोई नया सुझाव आपके दिमाग में आ जाए और आप भी कोई ऐसा नया बिजनेस आपका स्टार्ट करें। तो मेरा मैसेज यही है कि जो यंगस्टर है उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है राजू, कि देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, बस आपको उसके दिल लगाकर करना है। पता नहीं ये राजू का जो ये स्टार्टअप है, पता नहीं आने वाले 5-10 सालों में बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। देखिए भाई साहब होने को कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपके पास सोच होनी चाहिए। ये इनकी नई जनरेशन है, ये अब राजू ने इनको भी ट्रेन किया है, तो आने वाले फ्यूचर में ये जो बच्चे ये बड़े होकर राजू का बिजनेस हैंडल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। राजू ने उसका ब्रांड लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है, ऑलमोस्ट राजू का ब्रांड बनकर रेडी है, सिर्फ मार्केट में इसका लॉन्चिंग होना बाकी है। तो राजू थोड़ा सा बताएगा आपने इस बिजनेस के बारे में और अपने ये जो ऑयल है इसके बारे में, बताओ राजू क्या है। नमस्ते, मैं राजू गोड़के तहसील करमाला जिला सोलापुर से हूँ। अभी मैं पुराना जो बिजनेस है वो चालू किया है, हमारे दादा परदादा ने यही बिजनेस किया है। 2000 तक हमारा बिजनेस बैल से चालू था, वो कोलू जो है वो बैल से घुमाते थे, लेकिन अभी नए ज़माने में हमने नई तकनीक अपनाई है, बैल की जगह मोटर लगा, इलेक्ट्रिसिटी मोटर लगा के चालू किया है और मिलावट के दुनिया में शुद्ध देने के लिए ये हमने चालू किया है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है इस दुनिया में, सब मिलावट ही मिलावट चल रहे हैं। आप टीवी पे देखते ही होंगे, अभी त्यौहार का माहौल है, वो कैसे मिलावट है, क्या कैसे बनाते हैं, किसमें क्या मिलाते हैं। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो मार्केट में जो तेल मिल रहा है वो पूरी तरह पाम तेल में मिल रहा है, पाम तेल को मिक्स करके आपको दिया जा रहा है, उसको फिर कृत्रिम स्मेल दे के आपको मूँगफली का हो, सूर्यमुखी का हो, तिल का हो, ओरिजिनल है, ओरिजिनल कोई नहीं मिलता। ये अभी मिलावट की दुनिया में हम अच्छा देने के लिए यहाँ चालू किया है और ये मराठी में मन है जुनते सोन, इसी तरह से हम 24 कैरेट प्रोडक्ट देने की देते हैं, आपकी आंखों के सामने भी निकल के देंगे
और आपको जहाँ मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ तेल मिलेगा, आपको सच्चा और उच्च क्वालिटी का तेल मिलेगा। देखिए टॉप में जो है शेंगदाना तेल यानी पीनट ऑयल, और पीनट ऑयल बॉडी यानी हमारे मसल्स को ग्रो करने का काम करता है। उसके नीचे जो सेकंड में है करड़े तेल, करड़े तेल के बेनिफिट्स इतने सारे हैं। पहला बेनिफिट्स तो ये है कि ये आपके हार्ट को अच्छा रखता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम ये करड़े तेल करता है, आपका हार्ट हेल्थी रखता है। ये नीचे जो है ये जवस तेल है, ये उसके बाद खोबरे का तेल, जैसे कि ये कोकोनट ऑयल हम रेगुलरली यूज करते हैं हमारे बालों के लिए, पर आजकल मार्केट में जो मिलते हैं कोकोनट ऑयल वो मिलावटी होते हैं। इनका कहना है कि उसमें पाम तेल मिलाया जाता है, पाम तेल को मिक्स करके फिर उसे लेबल लगा के पैकिंग करके कंपनियां बेचती है। तो इनका जो है ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है। लास्ट में आता है तिल का तेल, जैसे कि बच्चों के मालिश के लिए, उनकी हड्डियां मजबूत करने के लिए तिल का तेल बहुत ही बढ़िया और फायदेमंद है, जो कि इनके पास मिलता है स्पेशल ऑर्डर देने पर। और नीचे है ये बादाम का तेल, जो आपकी बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए बादाम का तेल तो मार्केट में बहुत कम मिलता है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर इनके पास स्पेशली ऑर्डर करते हो तो आपको आपके घर तक ये बादाम का तेल भी डिलीवर किया जाएगा। अगर किसी को भी इस तेल के लिए ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं राजू का नंबर देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो राजू का कहना है कि अगर आप क्वांटिटी में तेल मंगाते हो तो आपके घर पर इसकी होम डिलीवरी की जाएगी, ऐसा भी राजू का कहना है। We'll be right back.
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजू के घर के टेरेस पे खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ टेरेस के ऊपर से क्या बढ़िया लुक है।